अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मूड किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे फूड मूड किचन में अरबी की कतलियाँ। यहाँ पर छील रहे हैं अरबी को, इसको आप जो भी बोल रहे हैं, अरबी या अरवी, हम लोग अरबी बोलते हैं। यहाँ पे देखें, अच्छी तरीके से खुरच खुरच के अरबियों को छील लें। इस वीडियो को डालने का मतलब यही है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से अरबियों को छीलना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से छील लें अरबियों को, छुरी की मदद से छीलते जाएं। अब यहाँ पर जो है अरबियाँ मैंने धो ली थी, और धोने के बाद जो है इसको इस तरीके से गोल गोल काटना है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन कतलियाँ जो हैं वो गोल गोल बनती हैं ज़्यादातर। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनती हैं, तो हम इसको इसी तरीके से काट रहे हैं गोल गोल। ये रहे इंग्रेडिएंट्स। हरा धनिया जो है मैं सिर्फ गार्निश करूँगी। 3 से 4 मैंने ले लिए हरी मिर्चें। मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है। 10 से 12 कतारें लेके पल्प निकाल लें। यह है मेरे पास कटी हुई अरवियाँ, और यह है तेल। आप इमली की जगह जो है आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं था, इसलिए मैं इमली ऐड कर रही हूँ, इमली का पानी। ये सारे अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ मैं पतीली के अंदर डालूँगी तेल, हाफ कप से थोड़ा कम तेल डालिएगा। अरवियाँ मैंने ली हैं, 1/2 किलो है मेरे पास। अब मैं सबसे पहले तेल में ऐड कर दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद जब ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ा जाएगा, मतलब ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर अरवियाँ। अरबियाँ ऐड कर दी हैं। अरबियाँ ऐड करने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से भूनें, क्योंकि अरबियाँ जो हैं वो लेस छोड़ती हैं। तो उसको तेल में डाल के बहुत अच्छे तरीके से आपने भूनना है। और आपने फूड मूड किचन को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ये तो लाजमी है। और आप फूड मूड किचन को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है फूड मूड किचन बाय आयशा, और इंस्टाग्राम पे है फूड मूड किचन। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सारे ड्राई मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी पाउडर, मैंने हर चीज़ ऐड कर दी है। हमें मसाले के साथ भी अरबी को अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब जो है यहाँ पर मैंने अरबी को भून लिया है। अब आपने यहाँ पर डाल देना है 1 कप के करीब पानी, और लगा देना है ढक्कन। पानी ऐड करने के बाद मैंने ढक दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ। अभी जो है अरबियों में थोड़ी सी कसर है, तो मैं इसको अभी और पकने दूंगी। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली का पानी। इमली का पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा चला लें, और उसके बाद ही मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें भी। हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको बहुत तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं अगेन 5 से 10 मिनट के लिए अगेन ढक दूंगी, ताकि मिर्चों का जायका आ जाए और अमली का जायका भी आ जाए। लेकिन आपने फूड मूड किचन को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मैंने यहाँ ढक दिया था 10 मिनट के बाद। अब मैं अगेन चेक कर रही हूँ। देखिए, ज़बरदस्त सी अरबियों की कतलियाँ तैयार हो गई, शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। गर्मा गर्म अरबी की कतलियाँ तैयार हैं। आप अपने घर में बनाएं, रेसिपी को इंजॉय करें, और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से अरबी की कतलियाँ बनाते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ और सीखना है, कोई और नई डिश सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे, कि मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, और मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करूंगी। लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फूड मूड किचन। ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।